प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता यानी कि पीरियड मिस होने से पहले आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आ सकते हैं जो कि बाहरी नहीं होते हैं, यानी कि आपको अपने शरीर में बाहरी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि अंदरूनी होते हैं। इन बदलावों को आप काफी अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो कि अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। क्योंकि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले होते हैं तो इस दौरान आपके मन में एक सवाल आता है कि कंसीव करने के तुरंत बाद आपको क्या क्या लक्षण नजर आ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो एक महीने तक आपको जो समय होता है वो बहुत लंबा लगता है। आपको लगता है कि आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को किस तरीके से कंफर्म कर सकती हैं। तो आज के वीडियो में आपको आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद के तीसरे हफ्ते के कुछ ऐसे लक्षण संकेतों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही खास होते हैं। और ये जो बदलाव होते हैं ना, ये जो संकेत होते हैं, वो जरूरी नहीं है आपको अपने शरीर में बाहरी रूप में नजर आए। ये जो बदलाव है आपको अपने शरीर में अंदरूनी रूप पर नजर आ सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में अंदर से कुछ बदलाव ऐसे आते हैं जो कि तीसरे हफ्ते के दौरान ही आपको महसूस हो सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन बदलावों, इन लक्षणों की मदद से आप 100% कंफर्म कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स, इन लक्षणों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन सारे बदलावों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में नजर आते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में यानी कि जब आप रिलेशन बनाते हैं उसके लगभग 3 हफ्ते के बाद कुछ लक्षण आपको अपने शरीर में नजर आ सकते हैं। कुछ बाहरी हो सकते हैं तो कुछ अंदरूनी हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपकी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो चल रही होती है। तो इस दौरान क्या है कि कुछ बदलाव आपको बॉडी में नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफी सारे बदलाव आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आपकी फर्टिलाइजेशन की या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो इस समय आपके घर में पल रहा जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, वो ब्लास्टोसिस की पोजीशन में आकार में होता है। और इस समय आपके शरीर में मौजूद जो प्लेसेंटा होती है वो आपकी बॉडी में एसटीजी हार्मोन बनाना शुरू कर देती है, जो कि प्रेगनेंसी का हार्मोन ही माना जाता है। इसी एक हार्मोन की मदद से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर पाते हो। अगर इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ही आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर पाती हो। अगर इस हार्मोन का लेवल, अगर आपने कंसीव कर लिया है और इस हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ता है तो आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो मैच्योर नहीं हो पाती है और वो बीच में ही अबॉर्ट हो जाती है। और फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी में एसटीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है कि आपके यूरिन के रंग में बदलाव आ जाता है। और जब आपके पीरियड मिस होते हैं तो डॉक्टर भी आपको आपके यूरिन से ही अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपके यूरिन में ही काफ़ी सारे जो हार्मोन्स होती हैं उनकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। और सुबह के पहले यूरिन में जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है वो 100% श्योर ही आता है। प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह के दौरान जब आपकी फर्टिलाइजेशन की और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो आपका जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय की लाइनिंग से इम्प्लांट हो जाता है। और इसी वजह से आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि पीरियड्स वाली ब्लीडिंग से एकदम अलग होती है। यानी कि इस ब्लीडिंग के लिए आपको किसी भी पैड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि हल्का फुल्का स्पॉट आपको फील हो सकता है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और फ्रेंड्स, पीरियड में सोने से पहले अगर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण माना जाता है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के दौरान आपको क्या क्या लक्षण या संकेत अपनी बॉडी में नजर आ सकती है जिनसे आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहला संकेत है, तीसरे सप्ताह के दौरान आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने और बच्चे के भ्रूण की स्थिति में डेवलप हो जाने से क्या होता है कि सुबह जब आप जागती हैं तो आपको उबकाई, जी मचलाना, उल्टी होना, बार बार घबराहट होना, ऐसी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा संकेत है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही उनका जो वजन है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। तीसरा संकेत है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपको अपने पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा खिंचाव महसूस हो सकता है। चौथा संकेत है,
जैसे ही आप कंसीव करते हो और आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता चल रहा होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि आपके मुंह का स्वाद बदल जाता है, यानी कि आपका मुंह एकदम से कड़वा कड़वा रहने लग जाता है। तो इस दौरान आपको बार बार कुछ खट्टा खाने का मन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सभी महिलाओं के साथ हो, लेकिन अधिकांश महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि शुरुआती दिनों में उन्हें कुछ तीखा या खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। पांचवा संकेत है, इस दौरान जरूरी नहीं है कि आपको बाहरी बदलाव बहुत ज़्यादा महसूस हो, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में कुछ अंदरूनी बदलाव ज़्यादा आ रहे होते हैं। छठवा बदलाव है, इस दौरान क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द महसूस हो सकता है, जो कि आराम करने के बाद, चाय पीने के बाद या कुछ भी एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद ठीक नहीं होगा, यानी कि हल्का हल्का सा सिर दर्द आपको बना रहता है। अगला बदलाव है कि इस दौरान अगर आप थोड़ी सी एक्टिव रहती हैं, थोड़ा सा चल फिर लेती हैं, ज़रा सा सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। अगला संकेत ये है कि इस दौरान क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है, यानी कि फूड क्रेविंग हो सकती है, लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आती है तो आपको उसे देखते ही उबकाई आना शुरू हो जाती है या फिर जी मचलाना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कई बदलाव आपको अपने शरीर में तीसरे हफ्ते के दौरान नजर आ सकती है। फ्रेंड्स, ये कुछ बदलाव हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के दौरान अपने शरीर में नजर आ सकती हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये बदलाव आपको नजर आ रहे हैं, वो भी पीरियड में सोने से पहले, तो इसका मतलब है कि आपने कंसीव कर लिया है। इस दौरान आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए, यानी कि आपका मिसकैरेज हो जाए, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। एक तो ये है कि इस दौरान आप अपनी बॉडी में आ रहे सिम्टम्स को ठीक से समझ नहीं पाती। कई बार कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को पीरियड के सिम्टम्स समझ लेती हैं और कुछ भी खाती पीती रहती हैं, उछल कूद करती रहती हैं, ट्रैवलिंग कर लेती हैं, कुछ गर्म चीज़ें ज़्यादा खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट बनाने के तुरंत एक से दो हफ्ते के बाद ये लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो इनसे आप अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हो। अगर ये लक्षण आपको अपने शरीर में नजर आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। उम्मीद करती हूँ तीसरे हफ्ते में, यानी कि पीरियड मिस होने से लगभग 4 से 5 दिन पहले ये लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनके अलावा और क्या क्या बदलाव आपको अपनी बॉडी में नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।